छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं में अध्याय 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के बारे में हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि संविधान क्यों आवश्यक है और उसको जीवंत क्यों बोला जा रहा है। जीवंत इसलिए बोला जा रहा है कि जिस प्रकार जीवित जो प्राणी होते हैं उनके जीवन में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, वैसे ही हमारा संविधान, क्योंकि संविधान हमारा लिखित है, लेकिन तो भी हम उसमें समय और स्थिति के अनुसार और आज की राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम उसको थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। हमारे संविधान में थोड़ा सा लचीलापन भी है, तो किसी भी संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, जीवंत संविधान। तो संविधान हमारा जो भारत का है उसमें कभी भी मूल रूप से परिवर्तन नहीं किया गया। कुछ अंशों में समय समय पर बदलाव होते हैं, कुछ भागों में, लेकिन पूरा संविधान का जो मूल ढांचा है वो कभी नहीं बदला गया। वैसे तो अपरिवर्तनीय नहीं होता है, क्योंकि तो आवश्यकताएं समय समय पर, परिस्थितियां अलग अलग हो जाती हैं। तो भारतीय जो संविधान था उसको बनाने में संविधानिक संशोधनों, संसदीय अधिनियम और न्यायिक फैसले, कार्यकारी आदेश और संविधान विशेषज्ञों की, जो उन्होंने शुरू में जब बनाया था उन्होंने उस समय कुछ वाद विवाद भी होते थे, उन्होंने आगे तक के समय को ध्यान में रखते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का क्या किया, निर्वहन किया। उनको मालूम था कि आने वाली परिस्थितियों में संविधान में जो अभी लिखा जा रहा है कुछ परिवर्तन होगा। अभी हमारे जो अनुच्छेद है 368, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो इसमें हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन आसानी से नहीं होता है। इसमें कुछ अंश ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें हम संशोधन सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं उनको हमें संशोधन करने के लिए दो विशिष्ट विधियों का आवश्यकता होती है, आप आगे पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान संशोधन के लिए जो हमारा राष्ट्रपति हैं देश के हमारे, उनके अनुमोदन स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, लेकिन वैसे संसद को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान होते हैं, राष्ट्रपति को ये पुनर्विचार का अधिकार नहीं होता, लेकिन उनकी अनुमति के लिए भेजा जाता है। संविधान संशोधन में 2/3 बहुमत की हमें आवश्यकता होती है और कुछ अनुच्छेद में एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, उसमें राज्य की विधानसभा से भी हमें परामर्श लेना पड़ता है। तो मार्च 2019 तक हमारे भारतीय संविधान में 103, ये संख्या आपको याद करना, संविधानिक संशोधन किए जा चुके हैं, और प्रथम जो संविधान में संशोधन हुआ था 1950 में हुआ था। आपको मालूम है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और लेकिन उसका जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत का हमने अर्थ बता दिया है कि उसमें जैसे जीवित व्यक्तियों में समय समय पर कुछ परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होता है, वैसे ही हमारे संविधान में गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदली परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता होती है। लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र में हमारे विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और नए नियम बनते रहते हैं, और हमें जो नियम है उनका विकास का द्वार खोलना है तो हमें नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो संसद है वो सर्वोच्च है और अधिकार उसी को है संशोधन करने का, और इस प्रकार लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे जो संविधान में है उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को वरीयता दी गई है, मुख्य स्थान
दिया गया है। तो इस प्रकार संविधान सरकार के तीनों अंगों को शक्तियां प्रदान करता है और ये चाहता है कि संसद की जो सर्वोच्चता है वो बनी रहे। तो प्रजातंत्र में हम जनप्रतिनिधियों तक को ही शामिल नहीं करते हैं, बल्कि विकासशील संस्थाओं से ही हम उनको प्रमुखता देते हैं। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और संस्थाएं और जनता को मिलकर कार्य करना चाहिए। तो जो 68 वर्ष हुए हमारे संविधान को क्रियान्वयन चालू होते हुए, तो आप देखेंगे कि इसमें हमको पढ़ना है भारत संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप, मतलब उसको हम बदल सकते हैं, पूरा तो नहीं बदलेंगे संशोधन, और हमारा मूल स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। हम पहले भी बताया है संशोधन होता है लेकिन उसका ढांचा नहीं बदलता, और संविधान की रक्षा होनी चाहिए, इसका न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा संविधान अपरिवर्तनीय है, ऐसा अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब उनको समय समय पर हम बदल सकते हैं, कुछ अंशों को हम बदल सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के तहत। आप एक उदाहरण ले सकते हैं, सोवियत संघ जो कि अभी नहीं है, 74 वर्षों के दौरान उसमें संविधान को हमने 4 बार बदला। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी थी तो 1991 में उसका वो पार्टी का प्रभुत्व समाप्त हो गया और सोवियत गणराज्य बिखर गया। उसके बाद वहाँ रूसी गणराज्य का नए सिरे से गठन हुआ और वहाँ पर 1993 में एक नया संविधान बना। और इसी प्रकार फ्रांस में भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए और वहाँ पर सबसे क्रांति के बाद 1793 में एक प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र वहाँ संविधान बना। 1848 में वहाँ पर दूसरा संविधान बना। ये उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको अन्य देशों के भी संविधान के बारे में पता रहे। और तीसरा बना दूसरा 1875 में और उसके बाद 1946 में वहाँ चौथा संविधान बना नए सिरे से, और 1958 में एक और संविधान पांचवें गणतंत्र के रूप में बना। अब हम चलते हैं भारत की ओर। तो भारत में अभी हमने बताया 26 नवंबर 1949 को मतलब उसको अंगीकृत किया गया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हम 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि तो हमारे भारत देश का गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा संविधान इसी दिन से लागू हुआ। और अब तक 68 वर्ष बीत चुके हैं और ये संविधान हमारा बहुत अच्छा संविधान है, और सन 18 तक उसमें 2018 तक 101 संशोधन हुए और लेकिन 2019 मार्च तक इसमें 103 संशोधन हो चुके हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है और इसमें 200 वर्ष में 27 बार संशोधन हुए। तो हम चाहते हैं कि बदली परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संविधान बदल जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। यदि हम संविधान स्थायी होंगे तो फिर हम समय के अनुसार उसमें नयापन नहीं ला सकते हैं। इसलिए संविधान को एक जीवंत संविधान कहते हैं। जो हमारा संविधान होता है उसमें समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं मतलब वो पूरी होनी चाहिए, सरकार के कामकाज के लिए एक आधार प्रदान करता है और भविष्य में होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में समर्थ होना चाहिए। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो वर्तमान की और साथ में भविष्य की समस्याओं के समाधान भी उन्होंने वहां पर सुझाया। तो संविधान को हम समय व परिस्थिति अनुकूल संशोधन की लचीलेपन और कठोरता दोनों हम उसको प्रदान किए गए संविधान में। तो जो भारतीय संविधान है वो लचीलापन भी है और उसमें कठोरता भी है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में
संशोधन कैसे किया जाता है, इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है कि विशेष रूप से, विशेष उसमें अनुमति रहती है, विशेष प्रक्रिया से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। अमेरिका का संविधान कठोर है, बहुत मुश्किल से परिवर्तन होते हैं। इंग्लैंड का लचीला है, आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं। और हमारे भारत देश में लचीलापन और कठोरता दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम संविधान को कठोर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो वस्तु स्थायी नहीं हो सकती, कठोर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हम इतना कठोर भी नहीं बना सकते कि ये बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बदल ना सके। अपने निर्माण के 10 वर्ष पश्चात प्रत्येक संविधान पुराना हो जाता है, उसे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके ही वर्तमान के अनुकूल रखा जा सकता है। तो हमें संशोधन करना है। इंदिरा गांधी ने इस बारे में कहा था कि संविधान जनता की इच्छाओं का दर्पण है और जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप संशोधन उसमें होना चाहिए। अब हम भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से हो सकती है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा, और संसद के विशिष्ट बहुमत और विधान मंडल की स्वीकृति द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। तो ये तो जो जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होगा, कुछ सामान्य विषय हैं उन पर हो जाता है, लेकिन ये दोनों के लिए हमें संसद के विशिष्ट बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के लिए संशोधन की प्रक्रिया में संसद के जो होते हैं सदस्य उनके द्वारा पारित करके उसके बाद हमें राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। और इस प्रकार प्रत्येक सदन के साधारण बहुमत द्वारा पारित होने तथा राष्ट्रपति के स्वीकृत मिल जाने पर संविधान के अनुच्छेदों में हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट था कि कोई भी साधारण बहुमत द्वारा हम संविधान को क्या कर सकते हैं, संशोधित करते हैं। ये एक सामान्य विषय है। आप देखिए, अब ये इसको ऐसा टेबल पे बना दिया है। 3 प्रकार हैं। जो विशिष्ट बहुमत हैं वो अनुच्छेद 368 में लिखे हुए हैं। संविधान में 22 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें हम साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, विधान मंडल के द्वितीय सदन। आपको मालूम है राज्यों में विधान मंडल का 2 विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है, तो कहीं कहीं दोनों हैं और कहीं कहीं एक है। भारतीय नागरिकता, अनुसूचित जातियों और क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं और न्यायाधीशों के वेतन, ये सब एक साधारण बहुमत के आधार पर उनको हम संशोधित कर सकते हैं। फिर है विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की 2 प्रक्रियाएं हैं। कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जिसमें विशिष्ट बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये प्रत्येक सदन के जो कुल सदस्य हैं उनका बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो ये संशोधन पारित हो जाता है और राष्ट्रपति इसे स्वीकृत कर देता है। तो इस प्रस्ताव के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसमें जो विषय आते हैं जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, न्यायपालिका की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों में हम इस प्रकार विशिष्ट बहुमत से उनको संशोधित कर सकते हैं। तीसरा, संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं कि हमें ये
संसद का विशिष्ट बहुमत और विधानमंडल के द्वारा, हमें देखिए तो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 पारित होना चाहिए उस नियम को, विधेयक मतलब, जो अपन ने मांग की है। और राज्यों के कुल विधानमंडलों के कम से कम विधानमंडलों की स्वीकृति की क्या होती है, आधे विधानमंडलों की क्या होगी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने से संविधान को हम क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं।